चुनाव लड़ते हैं, दो दल होते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किए हुए कामों को गिनाते हैं। अभी अभी कांग्रेस के सारे नेता हिमाचल में आए, इनके भाषणों की डिटेल को मैंने देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के भाषण देखना, कोई कहेगा हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में स्वास्थ्य का कार्ड पहुंचाया, इतने रोड बनाए, मोदी जी चंबा के लिए रेल लेकर आए, इस प्रकार के काम हम सब गिनाते हैं। गिनाते हैं या नहीं गिनाते हैं? मगर कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही बात है, गिनाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। माताओं भाइयों बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा बार बार भाजपा। फिर से एक बार बोलिए, एक बार भाजपा। मित्रों, ये कांग्रेस ही कई प्रकार के सूत्र चलाते, लाल टोपी हरी टोपी चलता है ना, चलता है ना। मैं भाजपा के सारे समर्थकों कहने आया हूं, आज से लाल टोपी भी भाजपा की है और हरी टोपी भी भाजपा की है। ये चलाते हैं ऊपरी हिमाचल और नीचे का हिमाचल। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है और नीचे का हिमाचल भी भाजपा का है। ये हिमाचल का चप्पा चप्पा भारतीय जनता पार्टी का है और इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए हमने आगे बढ़ना है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, वहां पार्टी बाटी कुछ है नहीं भाई, आप मेरी बात समझकर चलो। केंद्र में भी मां बेटे की पार्टी है ना, और यहां पर भी मां बेटे की पार्टी है। अबे मां बेटे की पार्टी में युवाओं आपका कोई स्थान है क्या? है क्या? आपका स्थान अगर कहीं पर है, मेरी माताओं बहनों का स्थान कहीं पर है, तो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो चाय बेचने वाले एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। मित्रों, और एक कांग्रेसी जब प्रचार में आए तो जरूर पूछना कि भाई हिमाचल सरकार की केंद्रीय योजनाओं के लिए अटल जी ने शुरुआत की थी 90-10 के रेशियो की, 100 रुपये की योजना होती है तो 90 रुपया केंद्र सरकार निकालती थी और 10 रुपया हिमाचल सरकार निकालती। ये कांग्रेस की सरकार आई, उसने 60-40 कर दिया। जरा हिसाब पूछना कि भाई हिमाचल वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि 90-10 से आपने 60-40 कर दिया और आज मोदी जी की सरकार आते ही मोदी जी ने फिर से 90-10 करने का काम कर हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों,
गुजरात में भी, मैं तो गुजरात से आता हूं, कई बार पूछता हूं गुजरात में कि मोदी जी कहां के हैं, आधी सभा कहती है गुजरात के है, आधी सभा कहती है हिमाचल के है। मोदी जी ने यहां सालों तक काम किया है और हिमाचल के चप्पे चप्पे को जाना है, इसीलिए वो हिमाचल के विकास को जानते हैं। मित्रों, कांग्रेसी जब भी आते हैं घपले घोटाले भ्रष्टाचार होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2G कॉमनवेल्थ कोयला 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले एक कांग्रेसियों ने करे थे। अभी पेट भरा नहीं है, पेट नहीं भरा है तो हिमाचल में आए हैं। मुझे बताओ, जिनके सामने चार सीट है ऐसे लोग हिमाचल को अच्छी सरकार दे सकते हैं क्या भाई? अरे हिमाचल वालों, लोकतंत्र आया है, अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। हमने जो विकास के लिए काम करे ऐसी सरकार को चुनना है। मोदी जी आए थे हाल ही में, चंबा में 2 जल विद्युत परियोजना दिए, चंबा जिले में 10 अस्पताल, हीम केयर और आयुष्मान भारत योजना में शामिल करे हैं। किसी को भी 5 लाख तक का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है मित्रों, किसी को भी नहीं करना। हीम केयर योजना के तहत 6,30,000 परिवारों को रजिस्टर किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने चंबा जिले में 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं जहां 20% कीमत में दवाइयां मिलती है मित्रों, 20% कीमत में। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था, भाजपा की सरकार आई, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री थे ही, अब सरोल क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो रहा है जहां 380 बेड की क्षमता होगी। अभी हमारे विधायक जी ने कहा बटियाल और पूरे चंबा में रोडों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सिर्फ बटियात विधानसभा में 28 करोड़ रुपए के रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए। एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया है। हमारे विधायक जी के प्रयासों से बैडमिंटन स्टेडियम भी बन रहा है। माताओं भाइयों बहनों, हमने वादा किया था हम आएंगे तो हिमाचल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मैंने ऐसी सभाएं बहुत कम देखी है जिसमें आधा हिस्सा माताओं बहनों का हो। मैं सभी भाइयों को कहता हूं माताओं के लिए ताली बजाओ जरा जोर से भाई। माताओं बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहली बार ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसमें 22% राशि माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर रखी है। माताओं बहनों के लिए अभी मैं दिल्ली एम्स में गया था, वहां मैंने पूछा
कि भाई देश में सबसे अच्छे एम्स कहां पर है, तो उन्होंने कहा दोनों पहाड़ पर है। मुझे आश्चर्य लगा, मैंने बोला दिल्ली से भी अच्छे हैं कि हाँ जी दिल्ली से भी अच्छे हैं, बिलासपुर और ऋषिकेश का एम्स दिल्ली से भी अच्छा बनाने का काम नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। 18 ऑपरेशन थिएटर, 64 आईसीयू बेड, 750 बेड, लगभग 1500 करोड़ से एम्स बनाने का काम किया है। मित्रों, देश में चौथे नंबर की वंदे भारत शुरू हुई, मोदी जी ने हिमाचल को वंदे भारत ट्रेन देकर ट्रेन से जोड़ने का काम किया है। रेणुका जी बांध परियोजना 6700 करोड़ की लागत से गिरी नदी पर बनाने का काम और 40 मेगावाट की क्षमता वाले 17 संयंत्र लगाए हैं, 200 मिलियन ऊर्जा इकाइयों का उत्पादन करने का काम वहां पर होने वाला है। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, वहां 5000 करोड़ से ज्यादा निवेश आएगा, 10000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी। ऊना में बल्क ड्रग पार्क बनाया है और भारत माला परियोजना के तहत पिंजौर नालागढ़ एनएच की 4 लेनिंग का काम भी 1700 करोड़ की लागत से चालू किया गया है। अटल टनल बनाकर 12 मास पर्यटन हो, इस प्रकार का काम किया है। चंबा, नाहन और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का काम किया है और मटोर पठानकोट को भी 4 लेन बनाने का काम किया है। मित्रों, जब डबल इंजन की सरकार होती है ना, उसकी एक ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हुआ है तो देश के 80 करोड़ गरीबों का फायदा हुआ है। मित्रों, 80 करोड़ गरीबों, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली, खुद का घर, इसके साथ साथ आयुष्मान भारत का कार्ड, और कोरोना आया तो हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के टीके लग गए ना, जरा हाथ ऊपर करो तो, लग गए हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है किसी को? उल्टा सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, और इसके साथ साथ 2.25 साल से गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चहुमुखी विकास कर रहा है। देश के अंदर उद्योग लग रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और सुरक्षा चौक चौबंद हुई है। मित्रों, पहले सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और दिल्ली में जो बैठे थे वो उफ नहीं करते थे क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था, डर। मोदी जी आए, फिर से पुलवामा और उड़ी में हमला किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, मोनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है,
नरेंद्र मोदी की सरकार है मित्रों। दस ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। नरेंद्र मोदी, मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, आप किसी को धारा 370 रखने की इच्छा थी क्या? जरा जोर से बोले, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मगर 70 साल तक जवाहरलाल नेहरू जो देकर गए थे, कांग्रेस अपने बच्चे की तरह वो धारा 370 को संभालती थी। मोदी जी को आपने हिमाचल की सभी सीटें दी, मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। आज हमारा कश्मीर भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मगर इतने सालों से, 550 सालों से राम मंदिर नहीं बन रहा था, क्योंकि कांग्रेस समस्या को लटकाए हुए थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने खून की एक बूंद बहाए बगैर संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। और मैं बताता हूं, 2024 के बाद का टिकट करा लो भाइयों, वहां गगन को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। अभी अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब के जमाने से टूट फोड़ कर दिया था, सबके हृदय दुखी थे। मोदी जी ने औरंगजेब के जमाने में हुआ एक कांड, इसको सुधार कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता राम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, अभी अभी उज्जैन का मंदिर का उद्धार किया, लोकार्पित किया। इसके साथ साथ इस पड़ोस के उत्तराखंड में बद्री धाम और केदार धाम को पुनर्निर्मित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। मित्रों, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे मान बिंदु, हमारे आस्था के केंद्र, ये सबको एक कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया था। मोदी जी ने वोट बैंक की लालच में आए बगैर इस सभी स्थानों का सम्मान कर भारत की जनता की भावनाओं का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल पुरजोर आगे बढ़ रहा है। वृद्धजन पेंशन 7,20,000 लोगों को मिल रहा है। इलाज की सुविधा 528 करोड़ अब तक मुफ्त इलाज के लिए खर्च किए हैं। असहायों को सहायता अब 3,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। 41,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। विलासपुर में एम्स बनाया गया है। इसके साथ साथ गौवंश के रक्षण के लिए प्रति साल राज्य सरकार 38 करोड़ रुपए का खर्च करती है। मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 310 रुपया कर दिया गया है। हर नर, हर घर,
नल से जल 8,35,871 घरों में पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया। छात्रवृत्ति की रकम को भी बढ़ाया है, 8,400 रुपया किया है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपया डबल, पहले 4,500 था अब 9,000 किया है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहनों को 3,000 से 6,100 किया है। आशा वर्कर को 1,000 से 4,700 रुपया किया है और पंप ऑपरेटर को 3,000 से 5,000 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं बहनों भाइयों, गत चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था आप हम पर भरोसा करिए, डबल इंजन की सरकार हिमाचल को विकास देगी। और आपने भरोसा किया, हमने भी हिमाचल के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। पूरे तो मैं बता नहीं सकता, अगर पूरे काम बताने जाऊं तो सभा की जगह भागवत सप्ताह बिठाना पड़ेगा, इतनी लंबी सूची है। मगर आज मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, रिवाज बदल दीजिए, हम हिमाचल को ड्रग फ्री हिमाचल बनाएंगे, नशे के कारोबार को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ड्रग फ्री भारत का संकल्प लिया है और आज मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक बार हमारे नेताजी को फिर से विधायक बनाकर भेज दीजिए, हिमाचल में हमारी सरकार बनाइए, हम हिमाचल को ड्रग फ्री बनाकर हिमाचल की जनता के युवाओं को, मेरे युवा साथियों को अच्छा जीवन देने का निश्चित परिणाम लाकर दिखाएंगे। मुझे बताओ भाई बटियात वालों, फिर से एक बार भाजपा को जिताना है? सुनाई नहीं पड़ता, जिताना है क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विधायक जी को फिर से विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।